हाइकू डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। चीनी युद्ध का माहौल क्यों बना रहे हैं? लद्दाख में फौज इकट्ठी क्यों कर रहे हैं? वे भारत से क्या चाहते हैं? भारत इस सबका कैसे जवाब दे? इनके जवाब के लिए करीब 20 साल पीछे चलें और देखें कि भारत पाकिस्तान से कैसे निबट रहा था, और याद करें कि भारत ने किस रणनीतिक दांव की खोज की थी जिसे बल प्रयोग की कूटनीति कहा गया था। शायद जसवंत सिंह या दिवंगत ब्रजेश मिश्र में से किसी एक ने दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग किया था। इसके तहत भारत ने सीमाओं पर सैनिकों, भारी फौजी साजो सामान का ऐसा जमावड़ा किया था मानो अब जंग होने ही वाली हो। ऐसा ही कुछ आज लद्दाख में LAC के उस पार पूरब में होता लग रहा है। चीनी लद्दाख में जमीन के टुकड़े के लिए तो खतरा नहीं मोल ले रहे होंगे, ना ही यह CPEC को कबूल करवाने या अक्साई चीन के औपचारिक विलय के लिए ही हो सकता है। यह तो कुछ बड़ी ही महत्वाकांक्षा होगी जो पूरी होने से रही। तब चीन आखिर क्या हासिल करना चाहता है? भारत बेशक पाकिस्तान नहीं है, कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ केवल जंग का खेल खेल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाने से बाज आए। यह गारंटी हासिल करने के लिए भारत ने ग्रीनलैंड, येलो लैंड या किसी और लैंड पर दावा किया होगा। वह गारंटी भारत को संसद पर हमले के एक महीने के अंदर मिल गई थी, जब परवेज मुशर्रफ ने अपने भाषण में इसका वादा किया था। बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान में मौजूद दाऊद इब्राहिम समेत उन 24 आतंकवादियों की सूची को भी कबूल किया था और वादा किया था कि वे उनकी खोज करवा के भारत को सौंप देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें अपने यहाँ पनाह दे रखी है। लेकिन भारत और ठोस चीज की मांग कर रहा था, इसलिए जंग जैसा जमावड़ा कायम रहा। हालात तब बेकाबू होते दिखे जब आतंकवादियों ने जम्मू की कालूचक छावनी में भारतीय सैनिकों के परिवारों पर हमला किया, लेकिन संयम बना रहा। कुछ तो इसलिए कि पाकिस्तान पर विदेशी दबाव बना, और ज़्यादा इसलिए कि भारत ने कभी युद्ध छेड़ने का इरादा नहीं किया था। उस दौरान मैंने जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्र और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा था कि क्या इस तरह की चाल से टकराव बेकाबू होने का खतरा नहीं है। मिश्र का जवाब था कि बल प्रयोग की कूटनीति कारगर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि दबाव इतना असली दिखे कि कभी कभी खुद हमें जंग का खतरा दिखने लगे। यह मजबूत देश की दबाव की चाल थी। आज जब आप LAC के पार पूरब की ओर देखते हैं, तब क्या ऐसा ही कुछ आभास नहीं होता?